हुआ इंतजार, खत्म हो गई मुलाकात की घड़ी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आजम अखिलेश की आज मुलाकात हो गई है। अखिलेश और आजम की ये मुलाकात एक या दो नहीं बल्कि 3 घंटे तक चली। लेकिन इन 3 घंटों में क्या बातें हुई होंगी? क्या आजम की नाराजगी खत्म होने वाली है? क्या आजम अखिलेश की दूरियां मिट गई हैं? सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आप देखें। खत्म हुआ मुलाकात का इंतजार। मिट गई आजम अखिलेश की दूरियां। तीन घंटे की मुलाकात, क्या हुई बात? यकीन नहीं होता, लेकिन तस्वीरों ने सब जाहिर कर दिया। अखिलेश यादव के चेहरे की हंसी ने सब जाहिर कर दिया। आजम खान अखिलेश की मुलाकात ने सब जाहिर कर दिया। जी हाँ, अखिलेश यादव ने खुद दिल्ली जाकर सपा नेता आजम खान से मुलाकात की। जरा आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आजम खान के पास में बैठे अखिलेश के चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रखी है। आजम दिल्ली के सर गंगा अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका हाल जानने के लिए अखिलेश यादव का काफिला दिल्ली पहुंचा। आजम अखिलेश की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट भी किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर आए। अखिलेश यादव के इस ट्वीट और इन तस्वीरों से तो साफ जाहिर हो रहा है कि इन 3 घंटों में हालचाल के अलावा कई रणनीतियों के बारे में भी चर्चा जरूर हुई है। जाहिर सी बात है कि आजम खान के साथ अखिलेश यादव की ही नहीं सपा के लिए भी भरोसेमंद है। तभी तो मौके की तलाश में अखिलेश का काफिला दिल्ली पहुंचा आजम खान से मिलने। कहा यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे कोई और नहीं बल्कि राज्यसभा उम्मीदवार कपिल सिब्बल का भी हाथ है, जो दोनों की मुलाकात के बीच सेतु बनने का काम करते नजर आए। शायद मुलायम सिंह यादव भी यही चाहते होंगे, जो आज की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि आगे राज्यसभा चुनाव भी हैं और उपचुनाव भी, इसलिए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। उपचुनाव में कैसे सपा के गढ़ को बचाना है और साथ मिलकर 2024 की राह को आसान बनाना है, ये रणनीतियां भी अब दोनों के बीच भुनती नजर आएंगी। सर गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, देख लीजिए नजारा एक बार। यही लगभग जो है 2.5 घंटे तक मुलाकात चली है आजम खान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। लगभग 2 से 2.5 घंटे की इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आजमगढ़ से लेकर रामपुर में चुनाव होना है। इन 2 सीटों में चुनाव के लिए बीएसपी ने अपने प्रत्याशी आजमगढ़ से तो उतारे हैं, लेकिन रामपुर से अपना प्रत्याशी बीएसपी उतारने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे में जो नाराजगी अखिलेश यादव के साथ आजम खां की बनी है, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको सुलझाने के लिए लगभग 27 से 28 महीने बाद पहली मुलाकात आजम खां की जो है अखिलेश यादव से इस हॉस्पिटल में हुई।